साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये हाईवे बाईपास हाईवे की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये महिलाएं और लोग खड़े हैं साथियों, ये प्रजापत समाज के लोग हैं। साथियों, इन्हें हाईवे के जो बाईपास हाईवे के जो अधिकारी है उन द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब मामला क्या है साथियों, आपको बता देता हूँ साथियों कि हाईवे को 75 मीटर छोड़कर कोई भी निर्माण करवा सकता है। साथियों, इन प्रजापत समाज के लोगों ने हाईवे का जो नियम था उनका फॉलो किया। इन्होंने 75 मीटर छोड़कर एक टांके का निर्माण करवाया, मगर किसी की शिकायत पर हाईवे के अधिकारी आए, इनका टांके का निर्माण रुकवा दिया। अब साथियों, ये प्रजापत समाज के करीब 40 घर है, ये इतने परेशान हो गए हैं, इन्हें लगातार हाईवे के अधिकारियों द्वारा बाईपास जो हाईवे का अधिकारी है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये टांका इन्होंने अभी ये निर्माण करवाया है और ये हाईवे से पीते से माप रहे हैं। 75 मीटर पर इनकी ज़मीन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद इनकी ज़मीन है जो खातेदार है। अब इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। साथियों, भू माफिया इन्हें परेशान करवा रहे हैं। अब साथियों, ऐसे कई मकान बने हुए जो 20 मीटर पे होंगे। साथियों, पूरी तस्वीरें देखिए, इन्होंने क्या कहा है वो सुनिए आप, उससे पहले एक बार शेयर कर दो। मैं थारो मगी देवी की समस्या था, की हुआ समस्या तो वही है, रोड वाली में कटौन कराई एणु आगे मन बड़े के बड़ा उठी एन रोड वाला मन परेशान करे एन के मन अजी इतरी के जमीन मिट्टी आदमी पालिया गणी पालिया रे या कोनी मोरे एन रोज रोज परेशान करे टोको आदमी दूर बनायो तो ही के मोरे के हड़क रे मुंह आवे के कया रोड वाला करे ए रोड वाला आईवी एन रोड आईवी रोड हां आईवी रोड तो थे कितनी जमीन छोड़ी हो? जमीन तो छोड़ी है भाई, माप हूँ तो जितनी माप गवर्नमेंट माप दियो मैं कह जाओ छोड़ी भी मैं जमीन तो मन परेशान करे कदे हूँ करे थाना परेशान भेजे आए पन्ना पड़िया मन परेशान तो करे ही है बस हमें ए नोटिस आया हमारा हां नोटिस आया है ठीक है पटस जमीन में बैठा हूँ मैं कोई ठीक है ठीक है थारो घर के था हमें घर ए आईवी रोड माते बनोड रहया हां हमें मिट्टी नो कोड़ पड़ी है मैं कह जे मोर रस्तो है नहीं कितने जनों ने परेशान करे परेशान है सा पूरो परिवार है मोरे हां साली घरों रो है मोरे पूरे परेशान करे ठीक ठीक हां आप रो मानो शांति देवी सर दीदी की समस्या है की समस्या है सड़क वाला मन परेशान कर जाए है और 25 सेंटीमीटर छोड़ी तो ही मन दो परेशान करे घर मिट्टी न डाली है मोर घर धूड़ बुरी जाए जबरदस्ती नौकी मन बिना पूछी नौकी है हर नोटिस मिले कोई पानी रो टोंको ठाए बोई ठान दियो एक मनो मन परेशान कर हर रोज नहीं परेशान क्या रोड वाला करे हाईवे वाला करे हाईवे वाला तो कह की है थाना मना कह क्यों बनाए निर्माण धन कर दिया कौन तो थे जितनी जमीन छोड़नी थी छोड़ी थी बीनू बत्ती छोड़ी हाँ मी हमार घर बीनू दूर है थोड़ा तो ही मन परेशान करे अरे रस्ते रे मांग की नहीं रस्तो राख्यो कौन में ते बल्ली कितना ही कपूत में रस्तो दिया कौन पर्जा बतान दीवारों की है कम से कम 20-20 फुट दीवारों की है मन ये हड़क रुकी वहां जो मिली उनकी फायदो मिलो है ठीक है मेरा नाम गणेश है गणेश जी की समस्या है पत्रकार महोदय समस्या तो भरपूर है मेरी समस्या क्या बताई इन एलएन कंपनी हाईवे जो जयपुर की एक कंपनी है जो इन्होंने एक निर्माण किया यहाँ पे मैंने एक टांका बनवाया पानी का वो भी हमें निर्माण करने नहीं दे रही है पहले हमारे को बोला गया कि आपकी जमीन 200 फुट कटी है तो हमने 200 फुट की बजाय 225 फुट जमीन छोड़ चुके हैं उसके बावजूद भी हमें ये निर्माण नहीं करने दे रही है और हमने बड़े बड़े नेता लोगों का कई बार एलएन कंपनी हाईवे के ऑफिस भी गई इन्होंने हमें पहला फैसला कर वापस अपना काम कंस्ट्रक्शन शुरू किया हमने काम भी रुकवाया तो इन्होंने जवाब नहीं दिया कहा कि अभी हमारे को काम करने दो बाद में आपको जो भी है ये रेत मिट्टी डाली है तो हटवा देंगे लेकिन ये यहाँ का पीडी शर्मा करके है जो तिलोक शर्मा नाम है उसका वो हमें जवाब नहीं दे रहा है और अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पता नहीं किसी ने हमारे खिलाफ ये नोटिस जारी करवा दिया कि ये आपको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे तो हम परेशान हो गए अगर हम कहाँ जाए ये बताओ आप अब पानी का टांका भी नहीं बना सकते तो समझो हमारे घर तो नहीं बनेंगे यहाँ पे पानी भी पीने के लिए संभव नहीं है कई लोगों नेता लोगों को भी बताया यहाँ पे मैंने फोन भी किया था स्थानीय यहाँ पे मैडम प्रियंका जी को भी कॉल किया था एक बार कि मैडम ये मैं परेशान कर रहे हैं तो उन्होंने भी हमारी सूद नहीं ली
और आने वाले चुनाव में अभी हम प्रजापति समाज के लोग कहाँ जाएंगे, अगर कोई हमारी सुनवाई करता है तो हमें आके मिले और इन एलएनए हाईवे कंपनी वालों को समझाए, हमें कंस्ट्रक्शन करने दे, हम इनकी जो हाईवे की सीमा है उसको छोड़ के कंस्ट्रक्शन कर रही तो भी हमें ये परेशान कर रही। ठीक है सिंह जी, क्या समस्या है इनकी? समस्या इनकी जो जमीन की है, हमारी बात इन्होंने भाई साहब ने अभी बताया कि हमारी बहन प्रियंका जी एमएलए साहब को इन्होंने फोन किया था और प्रियंका जी ने भी हमें बात करी थी, हमें कहा था कि मैं बाहर हूँ, आप इन्हें जाकर के इनसे मिलकर के आना, बात करके आना, देख के आना। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं, ये प्रजापत समाज के लोग है और गरीब लोग है, यहाँ पर इनकी पट्टा शुद्ध जमीन है और आप देख रहे हाईवे है, हाईवे का जो नियम है, हाईवे का नियम है सेंटर से 40 फीट तक हाईवे की जमीन है, उसके बाद में मालिक की जमीन है। अब वहाँ पर आप अगर कोई पेट्रोल पंप वगैरह बनाना चाहते हो 40 फीट छोड़ करके बना सकते हो, उसके अलावा आपको अगर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करवाना है तो 40 मीटर है और यहाँ भी 75 मीटर छोड़ करके आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। अब इन लोगों का 75 मीटर के अंडर में कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, एक पानी का टाका बन रहा है वो भी 75 मीटर दूर है, लेकिन पता नहीं कोई भूमाफी है जो इन्हें परेशान करने के लिए बार बार नोटिस भिजवा रही है, जबकि ये बिल्कुल भी अनलीगल नहीं है, ये सारे लीगल है, इनके जो मकान बने हुए वो भी लीगल है, पानी का टांका बन रहा है वो भी लीगल है, अनलीगल बिल्कुल भी नहीं है, जो हाईवे के नियम है ना सारे नियमों को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बिना नियम एक भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इन लोगों को हो सकता है किसी के कहने पर या किसी की शिकायतें करने पर इन्हें परेशान किया जा रहा है, बार बार इन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ पर कोई कोलानी कटी हुई है, कोलानी की दीवारें है, जबकि इनके खेत में ना कोई कोलानी है ना कोई कोलानी का कंस्ट्रक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इन लोगों को फालतू परेशान किया जा रहा है। तो मैं आज इनके पास आया था, यहाँ पर हम बहन जी को बात करेंगे, प्रियंका जी को भी उन्होंने भेजा है, हमें बात करी थी कि आप जाकर के आना, तो इनकी समस्या हम उनको भी बताएंगे और अधिकारियों से बात करके इनको क्यों परेशान किया जा रहा है, किसके कहने से किया जा रहा है, इनकी समस्या का 100% निवारण करवाएंगे हम, किसी भी कीमत पर गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं आप देरावर हूँ। देरावर जी की समस्या है, की काम भेड़ा हुआ है? कालू जी ये है, हमें थे देखो पड़ा हुआ है, बाकी की है कि मैं है पहले तो हाईवे निकली हुई है, बाद हाईवे तक पोरा है भाई, पसे हुई है बाद में मिट्टी नौकी थी, मोर निर्माण है घर है तो बुरिया था, और बाकी है जो को है मैं पालियो बे तीन कोई मनखानो भेड़ा किया गाँव में, तो कंपनी वाले जबरदस्ती जो कोई यहाँ टीम है बनाने वाली, मर्द कोई मोनी को नहीं है रस्तों, बाकी बाद में कहे थोड़ा पादरी करे दियो, अजय कोई की है दड़ा पड़ा है कीड़ा, बाकी लाली समतल जमी हुई है परेशानी कोई कमी है न तो कोई साधन चढ़ेगा न कोई है, बाकी आए परेशान करेगा 75 मीटर गदे गए 250 मीटर है कोई तरीको अलावा कोई गवर्नमेंट की चीज है जो पे छोड़े पसे निर्माण करा तो ही परेशानी है मिट्टी है बाद में नौकरी और निर्माण उगड़ पड़े हुए। हमें तो ना की समस्या आवे, हमें समस्या ही बाकी की है कोई है और बाकी है रस्तो है बाद में कहीं रोड बनाई दे वही कहीं कौन बनाई है देखो थे ही पड़े